हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में काइंड्स ऑफ फ्रेज के बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के प्रकार कितने होते हैं? नंबर एक, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। ये सिक्स टाइप हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज के। सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज की। तो अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ वुमैन इन द विंडो शाउट फॉर हेल्प। विंडो पे एक वुमैन है, वो हेल्प के लिए चिल्ला रही। तो अ वुमैन इन द विंडो, ये एक नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये हुआ हमारा नाउन फ्रेज। दूसरा एग्जाम्पल है, सी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट। तो अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, यहाँ पर हमारा ये नाउन फ्रेज हुआ। इसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज। तो अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसा फ्रेज जो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। तो अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल से, सी लुक्स लाइक अ क्लेवर फॉक्स। वह एक क्लेवर फॉक्स की तरह दिखती है। तो यहाँ पर हमारा एक क्लेवर फॉक्स, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इसके बाद है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एन एडवर्ब इज अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सुरेश ड्राइव्स अ मोटरसाइकिल इन अ वेरी हाई स्पीड। तो यहाँ पर इन ए वेरी हाई स्पीड, ये हमारा हुआ एडवर्ब फ्रेज। दूसरा है ही वॉल्कड एलॉन्ग द वॉल। ही वॉल्कड एलॉन्ग द वॉल, तो यहाँ पर एलॉन्ग द वॉल एडवर्ब फ्रेज हुआ हमारा। इसके बाद वर्ब फ्रेज की बात करते हैं। तो अ वर्ब फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स विद इन अ सेंटेंस। अ वर्ब फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब। वर्ब विद इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। राहुल इज कुकिंग फूड। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग वर्ब है। तो इज और कुकिंग, इन दोनों को मिलाकर ये हमारा कहलाता है वर्ब फ्रेज। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से, ही इज वेटिंग फॉर समवन। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिलाकर ये हमारा हुआ वर्ब फ्रेज। इसके बाद इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करते हैं। एन इन्फिनेटिव फ्रेज कंटेन्स एन इन्फिनेटिव टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में इन्फिनेटिव, जहाँ पे इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जहाँ पर आई इंजॉय टू ड्राइव अ कार, यहाँ ड्राइव हमारा मेन वर्ब है और यहाँ टू हमारा इन्फिनेटिव है, तो मेन वर्ब में टू लगाए, इसलिए यहाँ पे ये क्या हुआ इन्फिनेटिव फ्रेज का एग्जाम्पल्स कहलाया गया, टू ड्राइव अ कार। दूसरा एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। द जोकर डांस टू इंटरटेन द पीपल। जोकर यहाँ डांस कर रहा है इंटरटेन करने के लिए लोगों का। तो यहाँ पे टू इन्फिनेटिव हुआ, इंटरटेन फ्रेज हुआ, ये यहाँ पर वर्ब हुआ। तो टू और वर्ब, ये हमारा कहलाएगा इन्फिनेटिव फ्रेज। इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं। तो अ फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई, नाउन एंड और प्रोनाउन, इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। अ फ्रेज कंप्राइजिंग अ प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। द किड्स वर लॉफिंग एट द जोकर। तो यहाँ पर एट हमारी प्रीपोजिशन है, तो ये जोकर हमारा नाउन है। यहाँ पर बताया गया नाउन और प्रोनाउन को एक। तो द किड्स वर लॉफिंग एट द जोकर, तो एट द जोकर, ये हमारा हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स में, ही ऑलवेज स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस। तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है और इसके बाद लाउड वॉइस, तो यहाँ से इन चालू है और लाउड वॉइस तक, ये हमारा हुआ प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस तरह से थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। इसके बाद हम आपको
काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक्स.